अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट किश्वर नाजली, और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूं प्रोग्राम बात से बात। तो जनाब, आज मुझे एक शेर बहुत याद आ रहा है। किसी शायर ने कहा था, दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, तुम्हारे हाथ में रहते तो कितना अच्छा था। लेकिन इस शेर से मैं बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। इसकी वजह यह है कि अगर हम अपने आप को किसी के हाथों में देते हैं तो इट मींस हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं और अपने आप को किसी और के कंट्रोल में रखते हैं, जो कि सही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कंट्रोल्ड कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा से एक बात बहुत दफ़ा करती हूँ, शायद अब आपको पता भी चल गया होगा, कि हम ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर सारी क्वालिटीज़ इनबिल्ट हों, पहले से मौजूद हों। हमें दूसरों से अच्छी क्वालिटीज़ जो दूसरों की है उससे हमें अडॉप्ट करने में कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। और एक इंसान हमेशा उसको अपने आप को ऐसा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि वो दूसरों से हर वक्त सीख सके, जो भी अच्छी बात है उसको सीख सके, और जो भी उसके अंदर गलत क्वालिटीज़ हैं, गलत बातें हैं जो हमारे अंदर होती हैं, उसको हम इरेडिकेट कर सकें, तो हमारी पर्सनालिटीज़ को एक नया जो है वो एक फ्रेश, हम अपनी पर्सनालिटीज़ को रीफ्रेश कर सकें, ग्रूम कर सकें, डिवेलप कर सकें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डे, इन दीज टाइम्स। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इवन टीचर हैं, आप कहीं पर भी काम करते हैं, तो स्टेगनेंसी जो है ना वो आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को स्टेगनेंट नहीं होने देते हैं, आप अपने आप को फ्लूइड रखते हैं, तो ये आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस का एक बहुत अच्छा सीक्रेट होता है। तो हमेशा अपने आप को सीखने के लिए तैयार रखिए, अपने आप को लिमिट नहीं करिए, अपने आप को एक कन्फाइनमेंट में मत डालिए। आप हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं, और ये ना सोचे कि अब तो बहुत एज हो गई है, अब हम क्या सीख सकते हैं और अब हम पे क्या। अपने आप को आप लोग प्रायोरिटी देंगे तो आपके अंदर ये मोटिवेशन होगी कि आप अपने आप को बेहतर कर सकेंगे। तो जनाब, हम अपने आप को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हैं, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो आप कर ना सके। इसके लिए जैसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, इस तरह हम अपने अंदर खुद से भी कुछ ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे पहला एलिमेंट होता है आपको, वो ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को जाने कि आप कौन हैं, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। हम हमेशा दूसरों की यानी दूसरों को जानने में अपना टाइम लगा देते हैं कि भाई वो कैसा है, या हमारे जो है वो रिश्तेदार कैसे हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद, वो किस टाइम पे खुश होते हैं, उनको क्या चीज़ खुश करती है। लेकिन मैं काफ़ी लोगों से मिली हूँ जिनसे अगर मैं पूछूं कि उनको आपको क्या पसंद है, तो वो इस बात से कहते हैं हमने कभी इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। तो देखें, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने में कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आप अपने बारे में सोचें, अपने बारे में जानें, एनालाइज़ करें कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है, किन लोगों की कंपनीज में आप खुश होते हैं। देखें, अगर आप किसी की कंपनी से खुश नहीं हैं, अगर आप नेगेटिव लोगों के दरमियान हैं, तो उनसे आप ताल्लुक़ तोड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उनके साथ उनकी थॉट्स को अपने अंदर इन्फ्लुएंस्ड ना होने दें। इतना तो आपके अंदर फिल्टर होना चाहिए कि जो लोग आपको पसंद नहीं हैं, या जो आप समझते हैं कि ये लोग आपके अंदर भी नेगेटिविटी ला सकते हैं, तो आप उनसे अपने जो है वो ताल्लुक़ नहीं तोड़ने को मैं कह रही हूँ, या उनसे आप रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करें, लेकिन आप अपने माइंड पर एक फ़िल्टर तो लगा सकते हैं कि नहीं, इनकी नेगेटिविटी मैंने अडॉप्ट नहीं करनी है, मैंने अपनी ही पॉजिटिविटी को, बल्कि अपनी पॉजिटिविटी उन तक आपने ट्रैवल करवानी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको ये पता हो कि आपकी क्या खामियाँ हैं, आपकी क्या खूबियाँ हैं। जब तक कि आप अपनी खामियों को, हमारी बहुत सारी खामियाँ हैं, जैसे हम एडिक्टेड हो जाते हैं कभी कभी
कभार सोशल मीडिया के, कभी कभार स्मोकिंग के एडिक्शन हो जाती है हमारे अंदर, कभी कोई डिप्रेशन में है तो हम कोई गलत काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे कि ये हमारी वीकनेसेस है, ये हमारी खामियां, तो हम उनको कैसे सही करने का सोचेंगे। आइडेंटिफाई फर्स्ट योर वीकनेसेस, योर प्रॉब्लमेटिक एरियाज, एंड देन यू कैन वर्क ऑन देम। तो हमारी सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि हम अपने आप को जाने अंदर से, पहले अपने आप को एज अ गेस्ट ट्रीट करें, अपने आप को एज अ वीआईपी पर्सन ट्रीट करें। सेकंड जो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन बनाने में जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है टेल द ट्रूथ। आपने ये सुना होगा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बट मैं ये कहती हूँ कि ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। सच बोलने का मतलब ये है कि ना तो ये कि आप दूसरों से ही सच बोलें बल्कि खुद से भी सच बोलें। अगर आप आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके अंदर ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर बेटर नहीं है, तो आप अपने आप से सच बोलें कि नहीं, तुम ये, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये चीज़ नहीं कर पा रही हो सही से, तो ताकि आप उस पर काम करना शुरू करें। और लोगों से भी झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस जिस स्टेज पर हैं, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो पोजीशन है, आप उससे अपने आप को हाइड नहीं करें। अगर आपने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने हुए हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ब्रांडेड कपड़े हैं। अगर आपको इंग्लिश अंग्रेज़ी ज़बान पे उबूर हासिल नहीं है तो गलत अंग्रेज़ी बोलने से बहुत बेहतर है कि आप साफ उर्दू बोलिए या साफ अपनी मादरी जो भी आपकी ज़बान है आप वो अख्तियार करें। इंग्लिश आप ये समझ, अगर आप अपने आप को सच्चाई के साथ बताएंगे कि नहीं अभी इस स्टेज पर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप उसके अंदर सीख कर फिर आप उसको बेटर करेंगे। लेकिन अगर आप एक परसिस्टेंट और झूठ के दायरे में आ जाएंगे कि नहीं मेरी इंग्लिश तो अच्छी है, मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, तो कोई भी चीज़ जो आपके अंदर है जो आप पूरी नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हमेशा सच बोलें। याद रखिएगा, ऑनेस्टी इज़ द ओनली पॉलिसी, इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिसी। टेल ट्रूथ टू अदर्स अबाउट योरसेल्फ एंड टेल ट्रूथ टू योरसेल्फ अबाउट योरसेल्फ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एज अ टीचर, फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बच्चा मुझसे कोई टर्मिनोलॉजी पूछता है जो कि किसी समहाउ हम इंसान हैं और हमें नहीं आती, तो हमें एडमिट कर लेना चाहिए कि बेटा दिस टाइम आई वोंट बी एबल टू आंसर यू, आई विल थैंक यू फॉर आइडेंटिफाइंग, मैं जो हूँ इस पर काम करूँगी, इसको सीखूँगी और आपसे शेयर करूँगी। और बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि उसको, उनको उस वक्त इतनी एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है तो वो उसको झूठ या गलत जो है लेसन प्रीच कर देते हैं। तो ये आपने नहीं करना है, अपने आप से हमेशा सच बोलिए और दूसरों से भी। जो आपकी पोजीशन है, जो आपकी हैसियत है, जो आपका फाइनेंशियल मुकाम है, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो सच बोलें। अगर सामने वाले को आपसे फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप रखना होगा तो वो रखेगा, लेकिन झूठ की बेस पे, सिवाय आगे चल के आपको डिप्रेशन या एंजाइटी के अलावा आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा अपने आप से सच बोलिए। और तो दूसरी बात है अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए कि जो आपका पर्पस है आप उसको फाइंड आउट करिए कि आपका क्या पर्पस है, आप क्या बनना चाहते हैं, और उसको फोकस कर लें। आप पहले, हमें ऐसा लगता है कि हम ये भी बनना चाहते हैं, वो भी बनना चाहते हैं, हम कभी कभार अच्छा खाना बना लेते हैं तो हम कहते हैं हम शेफ़ बन जाते हैं, कभी कभार हम थोड़े से अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं तो हम सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ये हमारी फ्लॉ है। आप बैठकर अच्छी तरह से अपने आप को सोचें कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, तो उस एक पर ही फोकस रखें अपना। चाहे आपको लाखों लोग ये कह दें कि नहीं नहीं तुम सिंगिंग से ज़्यादा ये अच्छा करती हो, लेकिन अगर आपका ये पर्पस है तो आप उस पर ही डिटर्मिंड रहें, उस पर ही परसिस्टेंट रहें, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। अगर आप इतना एम्बिगुअस हो जाएंगे, इतना आप वेग हो जाएंगे अपने पर्पस में, तो आप ही जब वेग होंगे तो आप क्या किसी को अपने पर्पस का के बारे में डिफाइन कर सकेंगे। तो आप बहुत क्लैरिटी के साथ अपना पर्पस ढूंढिए, समझिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। फॉर इंस्टेंस, अगर आप चाहते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट खोलें, या आपकी ज़िंदगी का पर्पस है, तो उसके लिए आपको शेफ बनना भी आना चाहिए। तो आप उस पर अपना सारा फोकस कर दें, जो कुछ भी रिलेटेड है रेस्टोरेंट से उस पर आप काम करना शुरू कर दें। आप एक्सक्लूड कर दें अपनी बाकी सारी चीज़ों को, और कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा हरगिज़ नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप उसमें ही अपना नाम हासिल करेंगे।
उसके बाद अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारी तो कुछ आदतें हैं वो बन गई हैं और वो छूट ही नहीं सकती, आदत कैसे हम छुड़ाएं। ये बिल्कुल गलत है। अपनी हैबिट्स को न्यू हैबिट्स में चेंज करें, अपनी हैबिट्स अच्छे लोगों से सीखिए। अगर आप देखते हैं कि कुछ लोगों की आदत है कि वो अच्छी तरह बात करते हैं, गुड कम्युनिकेटर हैं, तो आप भी अपनी हैबिट बना लीजिए। अगर किसी को किस आप पंक्चुअल नहीं हैं, आपने पहले वाले उसमें जब देख लिया कि नो योर सेल्फ में आपने देख लिया कि आप पंक्चुअल नहीं हैं और आपको जो पंक्चुअल लोग हैं वो एडमायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो आप पंक्चुअल होने की कोशिश कर लें, आप हैबिट बनाना शुरू कर दें। आपकी बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है, आप हैबिट डेवलप कर लें। तो ये अपनी अच्छी हैबिट्स को, नेगेटिव हैबिट को निकाल दें और अच्छी हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो जनाब, हमारी आखिरी जो इसमें है, तो इसके अलावा बहुत सारी हम बातें कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मेजर है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं कि जैसे मैंने, अगर हम रिकैपिचुलेट करें तो हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट है नो योर सेल्फ। आपके आपको अपने बारे में जानना है, ना सिर्फ पॉजिटिविटी बल्कि आपके जो वीक पॉइंट है वो आप डायग्नोस करें, तभी जाकर आप जो है वो इस तरह से अच्छा अपनी, जब तक कि आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक कि पेशेंट को ये पता नहीं होगा कि उसको बुखार है, तो वो मेडिसिन कैसे लेगा बुखार की, और वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मुझे बुखार है, तो वो मेडिसिन भी नहीं लेगा। तो आप इन चीज़ों पे ज़रा फोकस करें कि क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्या आपके फ्लॉज हैं, तो आप उस पर काम करें। सेकेंड, मैंने जिस तरह आपको बताया कि सच बोलें हमेशा अपनों से, अपने बारे में, गैरों से भी, अपने बारे में भी, और ख़ुद से भी अपने बारे में सच बोलें, सच को एक्सेप्ट करें, समझें। और जब आप ये देखते हैं कि आप सच बोलते हैं, तो आप काफ़ी हद तक डिप्रेशन से दूर रह जाते हैं। कोई रेस में कंपीट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इससे आपको फ्रूटफुल जो है वो आपको फ्रूटफुल एडवांटेज नहीं होने वाला। फिर आप अपनी हैबिट्स को बनाइए, न्यू हैबिट्स अपनी बनाइए, चेंज कीजिए। और अगर आपको लगता है आप कुछ करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे कदम पहले उठाइए, पहले ही बहुत बड़ा स्टेप ना उठाएं, छोटे छोटे सोच समझ के स्मॉल स्टेप्स लीजिए, और उसमें उस हर स्टेप से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, काम कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज रखिए। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि तमाम जो मेरे दोस्त हैं उनसे, कि अपने आप को अब एज अ गेस्ट ट्रीट करें, अपने आप को VIP इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को प्रोटोकॉल दें। आपके लिए आपकी ज़ात बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपकी मेंटल हेल्थ के दुश्मन हैं, जो आपको नहीं समझ सकते। आप भी उनको समझाने की कोशिश ना करें, लेकिन रिलेशनशिप्स को ख़त्म ना करें। बस अपने दिमाग में एक फ़िल्टर लगा लीजिए कि उनकी बातों को मैंने किस हद तक लेना है, एब्जॉर्ब करना है। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, और आप देखते रहिए अपना TV न्यूयॉर्क और सुनते रहिए अपना TV न्यूयॉर्क। अल्लाह हाफिज़।